स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर नंबर 7, दैट इज चांदनी। एंड स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम योर क्लास 7 एन एलियन हैंड बुक। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम प्रीवियस वीडियो में इन पार्ट 1 वीडियो वी हैव ऑलरेडी रीड हाफ ऑफ द चैप्टर लाइन बाय लाइन समरी। I hope you all have watched that part 1 video of chapter 7 चांदनी। तो students, उसमें हमने पढ़ा क्या था कि इसमें जो है अबू खान होते हैं, वो बहुत ऑयल से होते हैं, ठीक है, और वो जो है अपने घर में जो है गोट्स को रखते हैं। बट होता क्या है, वन बाय वन एक एक करके उनकी सारी गोट्स जो है वो हिल पर यानी कि पहाड़ी पर चली जाती है, ठीक है, और उन सबको जो है वुल्फ यानी कि भेड़िया मार देता है। तो अबू खान, और एक दिन ऐसा होता है कि अबू खान के हट में जितनी भी गोट थी वो सब वहां से भाग जाती है हिल्स पर, और सब जो है उस भेड़िए द्वारा मारी जाती है। फिर अबू खान डिसाइड करते हैं कि मैं चाहे अपनी लाइफ के 4-5 साल और कितने भी साल जियो, बट मैं आगे से गोट्स को नहीं पालूंगा, किसी भी एनिमल को एज अ पेट नहीं पालूंगा। बट होता क्या है, कुछ दिनों बाद अबू खान को जो है अकेला फील होने लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक गोट को परचेज कर लाते हैं, ठीक है, और वो कैसी होती है, बिल्कुल एज अ स्नो, जैसे स्नो होती है व्हाइट कलर की, उस तरीके से होती है, और उसकी आईज भी बिल्कुल चमकती हुई होती है। और अबू खान उसका नेम रखते हैं चांदनी, और वो उसके ऊपर ऐसा बिलीव करते हैं कि चांदनी जो है वो कभी भी उनको छोड़ करके नहीं जाएगी। तो वो चांदनी को अपनी सारी स्टोरीज बताते हैं, अपने उन फ्रेंड्स की स्टोरीज बताते हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर वो चले गए हैं। क्लियर? तो होता क्या है, चांदनी को भी जो है वो हट से पहाड़ियों की तरफ देखती है। तो एक दिन चांदनी का भी मन कर जाता है कि मैं भी उन पहाड़ियों पर जाऊं, ग्रीन ग्रीन ग्रास पर जाऊं, कितना अच्छा लगता होगा ना वहां पर चलना घूमना। तो फाइनली जो है चांदनी खाना पीना छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसे जो है वहां जाना होता है। वो जाने भी लगती है तो वो जर्क यानी कि जो उसके गले में जो रस्सी होती है उसके झटके से वो वहीं के वहीं रुक जाती है। फिर चांदनी डिसाइड करती है कि वो जो है अबू खान से इस बारे में बात करेगी, इस बारे में उनको बोलेगी। तो चांदनी जो है उनको बोलती है कि मुझे छोड़ दो, ठीक है, अबू खान को बोलती है। तो अब आगे देखो होता क्या है। तो हरी अप, ओपन योर बुक्स, एन एलियन हैंड, पेज नंबर 46। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू गो टू हिल, टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर। तो चांदनी बोलती है उनको, आंसर देती है कि अबू खान उससे पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों छोड़ने, तुम मुझे जो है क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। तो अब चांदनी कहती है कि मैं जो है हिल्स पर जाना चाहती हूँ, यानी कि मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर? तो अबू खान उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ का फूड जो है, यहाँ का खाना जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब अबू खान से बोलते हैं कि मैं जो तुम्हें फूड देता हूँ खाने के लिए, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। तो अबू खान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ही टेस्टी फूड दूंगा और एक बहुत बड़ी रोप यानी कि रस्सी भी दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। तो चांदनी कहती नो, नहीं थैंक यू, बस तुम मुझे हिल्स पर जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर? तो अब अबू खान कहते हैं क्या तुम्हें जरा सा अंदाजा भी है कि तुम कितना बड़ा रिस्क ले रही हो हिल्स पर जाकर के? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। तो अब अबू खान ने उसे बोला कि वहां पर हिल्स पर बहुत ही डेंजरस भयानक भेड़िया है, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान ने जो है अपना पूरा अच्छे से ट्राई करा क्या करने की, उसको वॉर्न करने की, किसी चांदनी को। चांदनी आंसर्ड, गोट हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। तो अब चांदनी ने बोला कि भगवान ने मुझे ये दो हॉर्न्स दिए हैं, दो सींग दिए
होती है तो मैं वुल्फ से यानी कि भेड़िए से लड़ूंगी, उससे फाइट करूंगी. फाइट द वुल्फ इंडीड. हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर. तो अब उन्होंने कहा तुम लड़ लोगे उससे, क्या तुम अपनी सिस्टर कलुआ की कहानी भूल गई हो जिसका साइज एक बड़े डियर की तरह था. शी फॉग द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वो स्किल्ड इन द मॉर्निंग. कि वो पूरी रात उस वुल्फ से लड़ती रही और आखिर में हुआ क्या, मॉर्निंग में वो मर गई. अबू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम. अबू खान चांदनी को 85 बार कलुआ की स्टोरी सुना रहे थे. टू टेल टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वांट टू गो टू द हिल. बस चांदनी एक ही चीज बोली जा रही थी कि मुझे हिल्स पर जाना है, मुझे हिल्स पर जाना है, मुझे हिल्स पर जाने दो. अबू खान गॉट वेरी अनॉयड. ही थंडर्ड यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर. अबू खान को भी जो है गुस्सा आ गया, वो जोर से बोले कहीं नहीं जा रही हो तुम. From today you will live in a small hut and not move about freely in the compound. कि आज से तुम एक स्मॉल से छोटे से हट में रहोगे, कहीं भी तुम इधर उधर फ्रीली नहीं घूम पाओगे. Ungrateful as you must still be saved from the wolf. भले ही तुम कुछ भी कहो बट मैं तुम्हें उस वुल्फ से उस भेड़े से सेव करके रहूंगा, बचा करके रहूंगा. He pushed her into a small hut and shut the door. तो अब अबू खान ने क्या करा, उस चांदनी को पकड़ा और एक स्मॉल हट में डाल दिया और डोर बंद कर दिया. बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक. बट हुआ क्या, अबू खान उस स्मॉल हट के बैक साइड की जो स्मॉल सी विंडो थी उसे बंद करना भूल गए थे. द सेम नाइट चांदनी मेक दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम. उसी रात चांदनी ने उसी स्मॉल से विंडो को जिसे अबू खान बंद करना भूल गए थे अपनी फ्रीडम का, आजादी का रास्ता बनाया. चांदनी रीच द हिल्स. इट सीम्स टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो वेलकम हर. तो हुआ क्या, चांदनी ने उसको अपना रास्ता बनाया स्मॉल हिल को और वो कहां पहुंच गई, स्मॉल विंडो को, और वो वहां से निकल करके हिल्स पर पहुंच गई. तो अब जैसे वो हिल्स पर पहुंची तो अब उसे लग रहा था कि सारी हिल्स जो है वहां की जितनी भी पहाड़ियां वो एक रो में एक लाइन में खड़ी हैं और उस चांदनी का वेलकम कर रही हैं. शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर इयर्स ऑफ सेपरेशन. उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे एक बच्चा जब वो अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, कई सालों बाद वो बिछड़ा हुआ बच्चा अपने माँ बाप से मिल रहा हो, ऐसा चांदनी को पहाड़ी पर जाकर के फील हो रहा था. क्लियर. वेयर एवर शी वेंट द टॉल ग्रासेस रोज टू एम्ब्रेस हर. वो कहीं पर जा रही थी तो उसे लग रहा था कि ये जो टॉल ग्रासेस हैं, जो लंबी लंबी घास है, कि ये मुझे एम्ब्रेसर यानी कि गले लगा रही हैं. द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर. और उसे अम्यूज का मतलब होता है खुश करना किसी को. उसे लग रहा था कि ये जो फ्लावर्स हैं ये सब झूम रहे हैं मुझे खुश करने के लिए. एंड द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम. और उसे लग रहा था कि जो हवा चल रही है ये मेरे लिए ऐसा वेलकम सॉन्ग गाए ही जा रही है. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. उसे लग रहा था ये सब कितना different है, ये सब कितना अलग है मेरे past वाले घर से, जहां मैं अबू खान के compound में एक जेली की तरह रह रही थी. It was the happiest day in Chandni's life. और ये दिन चांदनी की लाइफ का बहुत ही खुशी वाला दिन था. That day she played 4 hours on the grassy slopes of the hill. और उस दिन चांदनी जो है वो जो slopes, वो grassy hills थी slopes पर, ठीक है slopes जो grassy hills थी उसके ऊपर जो है कई घंटों तक खेलती रही. ठीक है, जो hills की जो slopes होती हैं, जो grassy थी उनके ऊपर कई घंटों तक खेलती रही. She met a herd of wild goats who asked her to join their group. और उसे जो है
वाइल्ड गोट्स. हर्ड मतलब झुंड, यहाँ पर हर्ड ऑफ गोट्स ये क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन भी है, ठीक है, जिसमें पूरे ग्रुप की बात की जाती है. हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, तो यहाँ पर चांदनी को एक जंगली गोट्स का क्या मिला, झुंड मिला, और उन्होंने चांदनी को कहा कि आओ तुम भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो. बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, बट चांदनी ने उन्हें मना कर दिया. शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, क्योंकि चांदनी अपनी ये जो उसको फ्रीडम मिली थी, जो आजादी मिली थी, इसे जो है वो खुद ही एंजॉय करना चाहती थी, खुद ही से एंजॉय करना चाहती थी अकेले. द सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास द फ्लावर्स एंड द ट्रीज. तो अब क्या हुआ, क्या जो सन जो था वो पहाड़ियों के पीछे कहीं छुप गया जल्दी ही, और जल्दी ही डार्कनेस अंधेरा हो गया, और ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे ने ग्रास को, फ्लावर्स को, ट्रीज को एक एनवलप में, लिफाफे में बंद कर दिया हो. द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस. तो अब हुआ क्या, हवाएं भी चलना बंद हो गई, सारा कुछ साइलेंस हो गया, बिल्कुल शांत, सिर्फ उसे एक आवाज आ रही थी, ठीक है, और वो आवाज कहां से आ रही थी, बुशेस के पीछे से, झाड़ियों के पीछे से. बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां. द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, और वो साउंड आवाज ऐसी थी जैसे गुर्राने की आवाज होती है. व्हाट वॉज इट, तो चांदनी कहती ये कैसी आवाज है. इट वॉजंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, ये अबू खान की तो आवाज नहीं है जो मुझे वापस कंपाउंड में बुला रहे हैं. नोर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ना ही ये किसी दूसरे गोट की आवाज है. देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हू लिव्ड इन द हिल्स. तब चांदनी को ध्यान आया, अच्छा ये उसी डेंजरस भयानक भेड़िए की आवाज होगी जो पहाड़ियों पर रहता है. शी फेल्ट स्केयर्ड, अब उसे थोड़ा सा डर भी लगने लगा. शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, तो वो सोचती है कि क्या उसे अबू खान के हट में वापस चले जाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए. फिर वो कहती है नो, शी सैड टू हरसेल्फ, फिर वो खुद से कहती कि नहीं, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल इन. वो कहती है कि ऐसे एक ओपन में, खुले में मरना बहुत अच्छा है कि पूरी जिंदगी उस छोटी से झोपड़ी में बिता देने के कंपेरिजन में. द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी. तो अब इतने में वुल्फ जो था, जो भेड़िया था, वो बुशेस से बाहर निकल के चांदनी के सामने आ गया और उसे स्टेयर करने लगा, घूरने लगा. हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कॉइल इन द डार्कनेस, और उस भेड़िए की, वुल्फ की आईज ऐसे शाइन कर रही थी जैसे कोई रात के अंधेरे में डार्कनेस में कोयला जल रहा हो. He seemed in, और वो जो है भेड़िया उसे ललचाई आंखों से ऐसे घूर रहा था. He seemed in no hurry, उसे कोई जल्दी नहीं थी. He knew that new goat was his, अब उसे पता लग गया था कि हाँ ये कोई नई बकरी अब ये उसी की है, उसी का शिकार बनेगी. The wolf and the goat sized up each other, अब क्या हुआ, wolf और goat एक दूसरे के सामने आ गए. The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. अब wolf जो था वो बड़ा था और बहुत ही भयंकर सा था, और जो बिचारी goat थी वो हेल्दी तो थी बट स्मॉल थी. बट स्मॉल इज नॉट वीक, स्मॉल वीक नहीं होता, छोटा कोई कमजोर नहीं होता. चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड होन्स जॉटिंग डाउन. तो चांदनी ने क्या करा, अपनी लेग्स पर ऐसे खड़ी रही, अपने हेड को ऐसे डाउन कर लिया और अपने हॉर्स जो है उसकी तरफ बिल्कुल ऐसे तान लिए, जैसे वो बिल्कुल उसमें एक जोश आ गया उसे लड़ने के लिए. क्लियर,
शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, और वो जो चांदनी ने अपने पैरों पर से फॉर्म कर लिया और हेड बेंट करके उसको उसके सामने खड़ी होगी, भेड़िए के सामने, वुल्फ के सामने, वो क्या थी, एक करेज की, एक साहस की एक पिक्चर थी वो। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी। तो अब वो एक ऐसी ब्रेव सोल्जर की तरह लग रही थी जो अपने एनिमी के सामने लड़ने के लिए तैयार है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट चांदनी थॉट। अब चांदनी सोच रही मैं इसको एक बहुत ही अच्छी फाइट दूंगी। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। वो कहती सक्सेस, जीतना या हारना, ये तो चांस की बात है, बट मैं इस भेड़िए को एक तगड़ी टक्कर दूंगी। द फाइट बिगन। अब फाइट जो थी, जो लड़ाई थी, वो स्टार्ट हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। मून यानी कि वो जो चांद जो था, जो उन दोनों की फाइट को देख रहा था पूरी रात, ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे जो है फेड होने लग गया, मतलब कम होने लग गया, उतरने लग गया, ठीक है, और अचानक ही क्लाउड्स के पीछे छिप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और एक एक करके स्टार्स भी जो है वो डिसअपियर होने लग गए, छिपने लग गए। अ फेंट लाइट अपियर इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्को। तो अब क्या हुआ, अब वहां पर कहां से, ईस्ट की साइड से एक बिल्कुल हल्की सी क्या लाइट नजर आने लगी। फेंट लाइट होता है ना, जब अभी सूरज उगता नहीं है, वो जब से उगने वाला होता है, तो हल्की हल्की सी रोशनी सी नजर आने लगी। और उनके थोड़ी सी दूर पर कोई मॉस्को था, कोई मस्जिद थी, और वहां से प्रेयर की आवाज भी आने लग गई, मॉर्निंग प्रेयर की जिसे बोलते हैं। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लाइन ऑन द ग्राउंड। अब जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, उसने देखा कि चांदनी ग्राउंड पर पड़ी हुई है, धरती पर पड़ी हुई है। She was completely soaked in blood, और वो बिल्कुल खून से लथपथ थी। The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. और जो wolf था वो बहुत ही थका हुआ था, बहुत सोया सोया था और तैयार था किसे, उस किसे डी, और वो जो था गोट थी, जो चांदनी थी, उसको निगलने के लिए, उसको खाने के लिए। डिवोर का मतलब होता है निगलना, खाना। An assembly of birds perched on the top of tree nearby was debating the result of the fight. तो अब क्या हुआ, अब पास के ही पेड़ पर वो किसका, उनकी असेंबली, किसकी, बर्ड्स की असेंबली झुंड बैठा हुआ था, और वो आपस में डिबेट कर रहे थे कि लड़ाई का रिजल्ट क्या आया, क्या आया, फाइनल में कौन जीता, हु इज द विनर, विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड द वुल्फ, ऑफ कोर्स, अब उनमें से एक बर्ड बोला या बोली कि ऑफ कोर्स वुल्फ ही जीतेगी। मोस्ट ऑफ देम सेड, मोस्टली ने बोला। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। अब उन बर्ड्स में एक बहुत ही वाइज यानी कि बुद्धिमान ओल्ड बर्ड भी थी जिसने बोला कि चांदनी जो है वो विनर है। विनर कौन है, चांदनी। तो स्टूडेंट ये थी आपकी स्टोरी, चैप्टर नंबर 7 चांदनी, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, पर्सन का साइज मैटर नहीं करता, उसके अंदर इनर में उसके कितना साहस है, कितना करेज है सामने वाली सिचुएशन से लड़ने का, वो मैटर करती है। सक्सेस और फेलियर तो बाद की बात है, सक्सेस फेलियर तो बाद में होगी, सबसे पहले पर्सन में करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। तो स्टूडेंट ये थी आपकी स्टोरी, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।